नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सरकार झुके ईपीएफ पर नहीं लगेगा टैक्स। बजट में ईपीएफ संबंधी प्रस्ताव को लेकर विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि से राशि निकालने पर कर लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की। जेटली ने 2016-17 के बजट प्रस्ताव में 1 अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि की कुल राशि के 60% निकालने पर कर लगाने की बात कही थी। इस प्रस्ताव की विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने आलोचना की थी। जेटली ने मंगलवार को लोकसभा में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए अपने बयान में कहा कि हमें मिले कई ज्ञापनों के मद्देनजर सरकार इस प्रस्ताव की समग्र समीक्षा करना चाहती है और इसलिए इस प्रस्ताव को वापस लेती है। धार्मिक आयोग को वीजा नहीं देने के भारत के रुख से अमेरिका निराश। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के प्रतिनिधिमंडल को वीजा नहीं देने के भारत सरकार के निर्णय पर निराशा व्यक्त की है, किंतु मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बताने से इनकार किया कि उसने इस बारे में नई दिल्ली से बात की है या नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जान किर्वी ने सोमवार को कहा कि विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की जाँच करने वाले आयोग को सरकार की मान्यता है और इस आयोग में केवल पेशेवर लोग शामिल हैं। राजीव गांधी की हत्यारी नलिनी को मिली पैरोल। राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद काट रही नलिनी श्रीहरण को उसके पिता की 16वीं से जुड़े संस्कार में शामिल होने के लिए मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने 1 दिन का पैरोल दे दिया। नलिनी के पिता का पिछले माह निधन हो गया था। नलिनी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी इन रस्मों में शामिल होने के लिए एक याचिका लगाकर 3 दिन की छुट्टी मांगी थी। नलिनी को उसके पिता शंकर नारायणन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 24 फरवरी को भी 12 घंटे की पैरोल दी गई थी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। एक सैन्य अभ्यास के तहत ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किए जाने का समाचार है। समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार परीक्षण करने का मुख्य मकसद ईरान का अपनी शक्ति क्षमता का प्रदर्शन करना था। इसके साथ ही आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ किसी भी धमकी और खतरे से निपटने के लिए देश की संप्रभुता की रक्षा करना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।